यूपी के योगी सरकार के प्राइवेट गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के बंद किए जाने के सख्त आदेश के बावजूद कौशाम्बी जिले में अभी तक अधिकारियों ने ऐसे स्कूलों को बंद नहीं कराया है। वहीं प्रत्येक साल अप्रैल माह में कुछ स्कूलों पर कार्यवाही कर अपने कार्यों से इतिश्री कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद वही स्कूल फिर खुल जाते हैं और प्रशासन को मुँह चिढ़ाते हुए बच्चों के अभिभावकों को बेवकूफ बनाकर रुपया कमाते हैं। वहीं इस साल भी कुछ स्कूलों पर ही कार्यवाही की गई, जिसकी सूचना जिला अधिकारी को मिली, जिसके बाद जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बीएसए महाराज स्वामी जी की जमकर क्लास लेते हुए अग्रिम आदेश तक के लिए बीएसए के वेतन रोकने के आदेश दिए। वहीं जिला अधिकारी की इस कार्यवाही से बौखला बीएसए महाराज स्वामी जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचे तो जिला अधिकारी का हवाला देते हुए अपने ऑफिस के कर्मचारियों को वेतन को भी रोकने का आदेश जारी कर दिया। इस कार्रवाई से पूरे बीएसए ऑफिस में हड़कंप मचा है। दरअसल आपको बता दें कि कौशाम्बी जिले में लगभग 150 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त स्कूल बीएसए कार्यालय के संरक्षण में चल रहे हैं। प्रत्येक वर्ष नियमित वसूली की जाती है, जिसके चलते ऐसे स्कूलों पर कार्यवाही नहीं हो पाती और कुछ स्कूलों पर कार्यवाही होती भी है तो वह बिना व्यवस्था वाले होते हैं। इस मामले पर जब बीएसए महाराज स्वामी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगभग 150 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल जिले में चल रहे हैं। पिछले साल 50 स्कूलों पर कार्यवाही की गई और इस साल अब तक 22 स्कूलों पर ही कार्यवाही की गई है। पेश है कौशाम्बी के संवाददाता रामकिशन की खास रिपोर्ट। यहाँ की वेबसाइट पर उन्होंने डालने के लिए कहा था, कार्यालय की वेबसाइट के ऊपर ये अपना जन सूचना अधिकारी का नाम और ये सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम ये सब उसमें डाल दिया जाए। तो कार्यालय में कर्मियों की वैसे ही कमी है, ये इस काम में विलम्ब हुआ, समय से उसको हम नहीं कर पाए, इस पर जो है उन्होंने वेतन रोक दिया। सर, कर्मचारियों का भी ऑफिस के वेतन नहीं आ रहा है, ऑफिस के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, किस वजह से? कर्मचारियों के वेतन में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यदि उसमें है तो हम लेखाधिकारी से पता करके उसको जारी करें।